हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली मैंने सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबरॉय एंड शिल्पा शेट्टी स्टारर वेब सीरीज़ इंडियन पुलिस फोर्स देखी। एंड देखने के बाद मुझे लगा कि मैंने ये सीरीज़ क्यों ही देखी, बिकॉज इंडियन सिनेमा की पूरी हिस्ट्री में मुझे इससे वाहियात चीज़ आज तक देखने को नहीं मिली। एंड आई रियली होप कि आगे भी मुझे ऐसी घटिया सीरीज़ देखने को ना मिले। द सीरीज़ इज़ क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी, जिन्हें कोई जाकर बताओ यार कि ये 2013 नहीं चल रहा, दुनिया वहाँ से 11 साल आगे बढ़ चुकी है। तो प्लीज़ अपना सिंघम वाला स्टाइल कॉपी करना बंद करें। एंड अगर आपको कुछ नए या क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप बस खतरों के खिलाड़ी होस्ट करो। नो नीड टू मेक बुलशिट्स लाइक इंडियन पुलिस फोर्स, बिकॉज हमारे पास इंडस्ट्री में बहुत सारे क्रिएटर्स एंड डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कम बजट में भी अच्छी मूवी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट वीक रिलीज़ हुई प्रशांत वर्मा की मूवी हनुमान, सिर्फ 50 करोड़ का बजट है। एंड क्या नहीं है इस मूवी में, VFX, CGI, actions, animation with good direction and screenplay। और यहाँ देखो, 110 करोड़ का बजट एंड क्या है इस मूवी में, 3 स्कॉर्पियो, 3 सफारी एंड 3 फॉर्चूनर। इन सबको 3-4 बार घुमा घुमा कर ब्लास्ट कर देना है। एंड देन कुछ सीन्स सिंघम के, कुछ सीन्स सिम्बा के एंड कुछ सीन्स सूर्यवंशी के कॉपी कर लेना है, किसी को क्या ही पता चलेगा। हम सब तो यहाँ बेवकूफ़ बैठे हैं ना। पता है इस सीरीज़ की बेस्ट चीज़ क्या है, कि ये OTT पर रिलीज़ हुई है, क्योंकि आधे आधे घंटे के 7 एपिसोड्स हैं इसके। एंड इनको कंबाइन करके 3 से 3.5 घंटे की मूवी बन जाती है। और रोहित शेट्टी को ये बात पहले से ही पता चल गया था कि अगर इसे थिएटर में रिलीज़ किया तो ये सर्कस से भी बड़ी फेलियर साबित होगी। तो इन्होंने इंडियन पुलिस फोर्स को अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ किया। एंड ट्रस्ट मी, ये सीरीज़ इतनी बेकार है कि लोग अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवा देंगे इसे देखकर। सीरीज़ में थोड़ी सी ठीक ठाक एक्टिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा ने की है। एंड विवेक ओबरॉय को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये इंसान वापस क्यों ही आया। और पता है क्या, मेकर्स को भी ये चीज़ फील हुई, इसलिए विवेक ओबरॉय को 3rd एपिसोड में ही मरवा दिया गया। एंड शिल्पा शेट्टी तो सीरीज़ में कब आई कब गई मुझे पता ही नहीं चला। इस सीरीज़ को बनाने में मेकर्स ने 10% की भी मेहनत नहीं की है, ना ही स्क्रिप्ट राइटिंग में, ना ही डायलॉग राइटिंग में और ना ही शूटिंग में। पता है, आधे से ज़्यादा मूवी ग्रीन स्क्रीन पर शूट हुई है। द सीरीज़ डिजर्व्स नेगेटिव रेटिंग्स फ्रॉम माई साइड एंड इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड। अगर आपके पास फालतू का टाइम है तो भी डोंट वॉच दिस सीरीज़। एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड दिस सीरीज़, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। That's all about Rohit Shetty's debut series, Indian Police Force, and see you all in the next video.